हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज उपलब्ध। दोस्तों, जेएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 2, 3 और 4 अंकों की संख्या को गुणा करने का बेहद आसान तरीका। दोस्तों, इस तरीके से आप एक ही बार में, एक ही लाइन में गुणा कर पाएंगे और बहुत ही कम समयों में गुणा कर पाएंगे। दोस्तों, आप गुणा सीखने के लिए, मल्टीप्लाई सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आप बहुत आसानी से गुणा करना सीख जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 अंकों की संख्या का गुणा। 2 अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप्स है, ये तीसरा स्टेप्स है। पहले स्टेप, हम पहले अंक को पहले अंक से गुना कर देते हैं। दूसरे स्टेप में पहले अंक को दूसरे अंक से गुना करते हैं, फिर पहले अंक से गुना कर देते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, हम तीसरे स्टेप में दूसरे अंक को दूसरे अंक से गुना कर देते हैं। दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेकर के दोस्तों समझा जाए कि कैसे हम गुना को करें, ठीक है। मान लिया जाए 12 लिया और 34 लिया, 12 और 34 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप, पहले अंक को पहले अंक से गुना कीजिए, 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 टू जा आपका 8 आता है। फिर उसी तरीके से 4 वन जा 4 और 3 टू जा 6 आता है। 4 और 6 10 होता है दोस्तों, ऐड करने पर 10 का 0, फिर रिमेनिंग 1 आ जाता है। इसी तरीके से 3 वन जा 3, ये थर्ड स्टेप है दोस्तों, 3 वन जा 3 और बाकी का जो 1 है इसमें ऐड कर देते हैं, 3 और 1 4 हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों 12 और 34 को मल्टीप्लाई करने पर 408 आता है। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेकर के देखते हैं दोस्तों, 23 एंड 45 को मल्टीप्लाई किया जाए, 5 3 जा 15 का 5 रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 10 और 12 आपका 22 होता है दोस्तों, 22 और 1 23, 23 का 3 बाकी का 2, 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 होता है। इस तरीके से दोस्तों देखा, इस उदाहरण को भी मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा उदाहरण को देखा जाए, 34 और 56, 6 4 जा 24 का 4 बाकी का 2, फिर उसी तरीके से 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20, 18 और 20 आपका 38 आता है, 38 और बाकी का 2 जो पहले से मैंने बचा रखा, 38 और 2 40 होता है, 40 का 0 बाकी का 4। उसी प्रकार तीसरा स्टेप, 5 3 जा 15, 15 और 4 19 होता है। इस तरीके से मैंने 2 अंकों की संख्या को गुना कर लिया और ये बेहद आसान तरीका है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 3 अंकों की संख्या का गुणन करने का तरीका देखते हैं। दोस्तों, 3 अंकों की संख्या को गुणन करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स अवेलेबल हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप्स। दोस्तों, पहले स्टेप में हमने पहले अंक को पहले अंक से गुना किया, फिर दूसरे अंक को दूसरे अंक से गुना किया, फिर पहले अंक को दूसरे अंक से गुना किया और दूसरे अंक को पहले अंक से गुना किया। अब तीसरे स्टेप में पहले अंक को तीसरे अंक से गुना किया और दूसरे अंक को दूसरे अंक से गुना किया और तीसरे अंक को तीसरे अंक से गुना किया और तीनों को जोड़ दिया। गुना करके जो आया उसको मैंने क्या किया,
जोड़ दिया। अब देखिए चौथे स्टेप से मैंने दूसरे अंक को तीसरे अंक से गुना किया और तीसरे अंक को दूसरे अंक से गुना किया और गुना करने के बाद जो आया उसको जोड़ दिया, ऐड कर दिया। पाँचवें स्टेप में तीसरे अंक को तीसरे अंक से गुना किया और इस तरह से मेरा गुना परफॉर्म होगा। दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण से हम इस गुना को समझते हैं कि कैसे इस गुना को किया जाए। दोस्तों कुछ उदाहरण लिया जाए, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तीन अंकों का गुना है दोस्तों, इसको गुना करना है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है, 18 का 8 बाकी 1 हो जाता है, बाकी 1 हो जाता है। दूसरा स्टेप 6 2 12 और 5 3 15, 12 और 15 27 होता है, 27 और 1 28 होता है, 28 का 8, फिर दोस्तों रिमेनिंग हमारा 2 रह जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप तीसरा स्टेप देखा जाए 6 1 6, 4 3 12, 12 और 6 18 हो गया और 5 2 10, 18 और 10 28 हो गया, 28 और 2 आपका 13 होता है, 30 का 0, फिर से रिमेनिंग आपका 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 1 5, 4 2 8, 5 और 8 आपका 13 आता है, 13 और 3 रिमेनिंग 16 हो जाता है, 16 का 6, फिर से रिमेनिंग आपका 1 हो जाता है, 4 1 4 और ये रिमेनिंग 1 5। इस तरीके से दोस्तों आपने तीन अंकी अंकों का गुना कर लिया, इसका आंसर आता है 5 6 0 8 8। दोस्तों अब दूसरा उदाहरण लेकर के गुना करते हैं। दूसरा उदाहरण में हम लोग 3 2 1 6 5 4 लेते हैं। फोर वन जा पहला स्टेप दोस्तों, 4 1 4 4 लिख दीजिए, 4 2 8 और 5 1 5, 8 और 5 13 होता है, 13 का 3 बाकी 1 लिख दीजिए। फिर तीसरा स्टेप 4 3 12, 6 1 6, 12 और 6 18 और 5 2 10, 18 और 10 28, 28 और 1, 28 और 1 29 का 9 रिमेनिंग 2। रिमेनिंग दोस्तों क्या हो गया, रिमेनिंग 2। फिर देखा जाए चौथा स्टेप दोस्तों 5 3 15, 6 2 12, 15 और 12 आपका 27 होता है, 27 और 2 29 हो जाता है, 29 का 9 बाकी 2। फिर लास्ट स्टेप 6 3 18, 18 और 2 20 होता है, 18 और 2 20 होता है। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये भी गुना कर लिया। एक और उदाहरण लेकर के देखा जाए 1 2 1 2 3 4 3 4। दोस्तों इसको देखिए, पहला स्टेप 4 2 8, दूसरा स्टेप 4 1 4, 3 2 6, 4 और 6 आपका 10 हो जाता है, 10 का 0 बाकी बचा 1। फिर तीसरा स्टेप 4 2 8, दोस्तों 4 अंकों का हो गया है, इसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, इसका पहले रूल बताएंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे।
रूल के अनुसार डिस्कस किया जाए तो बेहतर होता है दोस्तों। दोस्तों चार अंकों वाली संख्याओं को गुणा करने का तरीका हम लोग अब आगे बताएंगे। इस स्टेप को करने के लिए, चार अंकों की गुणा को सीखने के लिए हमें इन सात स्टेप से गुजरना पड़ता है। ये सात स्टेप्स में संपन्न होता है दोस्तों। पहला स्टेप है दोस्तों, फर्स्ट अंक को फर्स्ट अंक से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरे स्टेप में फर्स्ट अंक को सेकेंड से और सेकेंड अंक को फर्स्ट से कीजिए। और थर्ड स्टेप में फर्स्ट अंक को थर्ड अंक से कीजिए और थर्ड अंक को फर्स्ट अंक से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है दोस्तों उसको ऐड कर दीजिए। फिर फोर्थ स्टेप में दोस्तों फर्स्ट अंक को फोर्थ अंक से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकंड अंक को थर्ड अंक से मल्टीप्लाई कीजिए और थर्ड अंक को सेकेंड अंक से मल्टीप्लाई कीजिए और फोर्थ अंक को फर्स्ट अंक से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इतने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों। फिफ्थ स्टेज में सेकंड अंक को फोर्थ अंक से मल्टीप्लाई कीजिए और थर्ड अंक को थर्ड अंक से मल्टीप्लाई कीजिए और फोर्थ अंक को सेकंड अंक से मल्टीप्लाई कीजिए। छठे स्टेप में दोस्त सेकंड थर्ड स्टेप को फोर्थ स्टेज से मल्टीप्लाई कीजिए और फोर्थ अंक को थर्ड अंक से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो आता है इसको ऐड कर दीजिए। फिर सातवें स्टेप में चौथे अंक को चौथे अंक से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा गुणा चार अंकों की संख्या का गुणा सात स्टेप्स में संपन्न होता है। कुछ उदाहरण लेकर के इसकी पुष्टि किया जाए, कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग सीखते हैं। वन टू, वन टू, थ्री फोर, थ्री फोर। दोस्तों ये चार अंकों की गुना है, इसको हम लोग इन चार अंकों की संख्या को कैसे गुना हम एक लाइन में करते हैं इसको सीखा जाए दोस्तों। पहला स्टेप फोर टू जा एट, फोर टू जा आपका एट हो जाता है। दूसरा स्टेप फोर वन जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, फोर और सिक्स टेन हो जाता है, टेन का ज़ीरो बाकी वन हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप फोर टू जा सिक्स, फोर टू जा एट और फोर टू जा एट, एट और एट सिक्सटीन हो जाता है और थ्री वन जा थ्री, सिक्सटीन और थ्री आपका नाइनटीन हो जाता है, नाइनटीन और वन आपका ट्वेंटी हो जाता है, ट्वेंटी का ज़ीरो रिमेनिंग टू। फिर देखा जाए दोस्तों आपका फोर्थ स्टेप फोर वन जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, फोर वन जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, फोर और सिक्स टेन हो जाता है। फिर फोर वन जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, ये भी टेन हो जाता है, टेन और टेन ट्वेंटी हो जाता है, ट्वेंटी और टू ट्वेंटी टू हो जाता है दोस्तों, ट्वेंटी टू का टू फिर से रिमेनिंग टू। दोस्तों अब पांचवें स्टेप में बढ़ते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, फोर टू जा एट, थ्री थ्री एट, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और एट आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व और बाकी का टू, बाकी का टू। दोस्तों अपने ये पांचवा स्टेप जो है, पांचवा स्टेप को करने का तरीका है थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा सिक्स, सिक्स और एट, सिक्स और एट फोर्टीन होता है और फोर्टीन और टू सिक्सटीन होता है, सिक्सटीन का, सिक्सटीन का सिक्स रिमेनिंग वन। फिर छठे स्टेप में देखा जाए दोस्तों फोर वन जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, टेन हो गया, टेन और वन अलेवन आ गया, अलेवन का वन फिर से बाकी वन। फिर लास्ट स्टेप सेवन्थ स्टेप थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री और वन फोर आता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये गुणन
हो गया। दोस्तों मैंने देखा ये चार अंकों की संख्या भी हम लोग एक पंक्ति में ही गुना कर लेते हैं। ये पुराने तरीके से दोस्तों बेहद आसान तरीका है और बहुत कम समयों में हम लोग गुना करना एक ही लाइन में सीख जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल जेएमसी क्लासेस, यूट्यूब चैनल जेएमसी क्लासेस अच्छा लगा होगा तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन बजाना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद। अब